Hello friends, welcome back to my channel Life Simplified by Sarika. Blackheads बहुत बहुत परेशान करते हैं ये blackheads. So today इसके बारे में हम देखेंगे review. So this is Jeju Volcanic Blackhead 3-step program. So ड्यूरिंग ईच स्टेप में आपको हर एक स्टेप क्यों है, किसके लिए है वो बताऊंगी. इसे पहली बार यूज कर रही हूँ, मैंने इसे पहले यूज नहीं किया. मैंने सिंपल ब्लैक हेड रिमूवल जो स्ट्रिप्स आती है वो यूज करके देखी है. सो क्विकली हम देख लेते हैं इसका डेमो एंड रिव्यू. ओके, मैंने सिर्फ फेस वॉश से फेस क्लीन किया है, बाकी फेस पे कुछ अप्लाई नहीं किया है. ओनली लिपस्टिक इज देयर, नथिंग एल्स. ओके, सो बाकी कुछ अप्लाई नहीं किया है क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे से पता चल जाते हैं. सो फर्स्ट स्टेप में हमें ये जो स्ट्रिप है वो एज इट इज निकाल के सिर्फ नोज पे प्लेस करनी है. कटेड लाइंस डाउनवर्ड या अपवर्ड प्लेस कीजिए, दैट रियली डजंट मैटर. सो ये स्टेप हमें हेल्प करती है टू ओपन आवर पोर्स एंड टू गेट रेडी फॉर द सेकेंड स्टेप, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू रिमूव द एक्स्ट्रा सीबम आउट. सो अब हमें इसे रखना है फॉर 15 to 20 minutes. ओके, सो 20 minutes के बाद देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है. ओके, सो 20 मिनट्स तक मैंने इसे पूरा रखा था. अब मैं इसे रिमूव करके देखती हूँ कि क्या रिजल्ट है. सो एक्चुअली मुझे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सीबम वगैरह तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन यस, नोज़ अच्छे खासी सॉफ्ट तो हो गई है क्योंकि इसमें जेल की क्वांटिटी अच्छी थी. अब मैं इसे एक नैपकिन को हॉट वाटर में डीप करके क्लीन करके लूँगी. सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द सेकेंड स्टेप. सो ये जो स्ट्रिप है ये मैंने निकाल के रखी है बाहर. अब नोज को अच्छा खासा गीला करना है. इट्स क्लियरली मैंशन कि नोज गीली होनी चाहिए लेकिन हाथ ड्राई होने चाहिए. देन ये वाला जो प्लास्टिक शील्ड है इसे जस्ट निकालना है. ब्लैक एरिया टुवर्ड्स आवर नोज और ये एरिया नीचे चाहिए. ट्वेंटी मिनट्स तक मैंने इसे रखा था पूरा. अब ये पूरा अच्छा खासा यहाँ पे स्टिक हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे इसने खींच लिया है यहाँ पे सारा. देखते हैं अब क्या रिजल्ट आएगा. ओके, हो गए 20 मिनट्स कंप्लीट हो गए. अब इसे रिमूव करके देख लेती हूँ क्या रिजल्ट आएगा. ओह नो, एक्चुअली फोटो में इतना नहीं नजर आ रहा है लेकिन ब्लैक हेड्स के साथ साथ व्हाइट हेड्स भी अच्छे खासे रिमूव हो गए हैं. तो रिमूव तो हुए हैं, अच्छे खासे रिमूव हो गए हैं. और यहाँ पे जो अभी ऐसे खींच के ली थी ना स्किन, वो फील हो रहा है. अगेन द सेम थिंग, नैपकिन को हॉट वाटर में डीप करके मैंने नोज क्लीन करके ली है. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड स्टेप. ओके, सो इसको सिर्फ इसको दोनों साइड से शीट है. ये प्लास्टिक निकाल दिया. ये वाला भी निकाल दिया. ओके, सो हमें इसे अब रखना है ओनली फॉर 20 मिनट्स. बहुत जेल है इसमें, सो इट्स यूजफुल. ओके,
अब जो ऐसे यहाँ पे खिंची खिंची हो गई थी ना, अब इससे ऐसे हो रहा है, सूदिंग हो रही है। ओके, सो 20 मिनट्स के बाद देखते हैं। 20 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन ये अभी भी अच्छा खासा गीला लग रहा है। रिमूव करके देखते हैं। ओके, सो ये जो एक्स्ट्रा जेल है, इसे सिर्फ ऐसे टैप 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 करके एब्जॉर्ब होने देना है। उस पर क्लियरली मेंशन है कि फेस तुरंत वॉश मत कीजिए। ओके, सो ओवरऑल प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यस, मुझे ये अच्छा लगा। जो बाकी के ब्लैक हेड रिमूवल मास्क होते हैं, उससे सिर्फ ब्लैक हेड्स हो जाते हैं रिमूव, लेकिन उसके बाद जो नोज जलन होती रहती है, ईचिंग होती रहती है, उसके लिए ये थर्ड स्टेप बहुत ज़्यादा मुझे इफेक्टिव लगी। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।